सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सेवंथ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17। एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी, शीर्ष कोण एक्स तथा ऊंचाई एच के समान दी है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है हमने वो लेना है। सबसे पहले हमें आधार दे रखा है, हम आधार ले लेते हैं ए बी। अब एक हमें दे रखा है शीर्ष कोण एक्स के बराबर दिया हुआ है, तो मैं इधर ही ले लेता हूं शीर्ष कोण। ये आपका आ गया एक्स कोण। एक हमें दे रखी है ऊंचाई h, एक में ऊंचाई ले लेता हूं h रेखा के समान। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ए बी रेखा का समद्विभाजन करना है। आप देख सकते हैं समद्विभाजन हमारा हो गया है, जहां पे ए रेखा पे कट रहा है ये पॉइंट आपका आ गया P। अब हमने क्या करना है, जो आपको एक कोण दे रखा है, ये कोण दे रखा है आपको, इतना कोण हमने शीर्ष पर बनाना है, मतलब A पे बनाना है, A पॉइंट पे। ये इतनी प्रकार खोल के हमने यहां से चाप लगानी है पहले, फिर जितना ये बड़ा है, शायद इस थोड़ा बड़ा है, इतना है, तो इतनी प्रकार खोल के यहां से चाप लगा दूंगा और हमने इसको ए के साथ इसको मिला देना है। हमने इस पॉइंट का नाम हम दे सकते हैं के, यहां पे। तो मैं इसको इस तरह से डॉटेड आगे बढ़ा दूंगा, इस तरह से। ये हमारी जो है वो एक रेखा आ गई है, इसका नाम मैं दे सकता हूँ L। तो L A जो है ये एक हमारी रेखा, इसके ऊपर हमने अब 90 डिग्री का कोण आगे बनाना है। तो हमने क्या करना है, इसी चाप को हम आगे बढ़ा देंगे ऐसे, और यहां से पहली चाप, यहां से हम लगाएंगे दूसरी चाप, और हम इन चापों को आपस में काट देंगे। जैसे 90 डिग्री का कोण बनता है वैसा ही यहां से हम इसको ऐसे काट देंगे। ये जहां पे कट रहा है इसको मैं डॉटेड मिला दूंगा इस तरह से। जहां पे ये लाइन आ रही है आपकी है, ये आपका पॉइंट आ गया O। अब हमने क्या करना है, O पॉइंट पर प्रकार करके A जितने प्रकार खोल के हमने यहां पे एक सर्कल लगा देना है। अब हमने क्या करना है, जितना आपका एच है, ये आपका एच है, हमने एच जितनी प्रकार खोलनी है ये देखिए, और ए पॉइंट से भी यहाँ पे चाप लगा दो और बी पॉइंट से भी यहाँ पे ऐसे चाप लगा करके इस चाप को मिला दो। इसको हम डॉटेड मिलाएंगे,
इस तरह से। यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन आपकी इस वृत्त की परिधि को काट रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट आपका आ गया सी। आपने क्या करना है, ए से सी को मिला दो और बी सी को भी आपस में मिला दो, इस तरह से ये आपका बन गया है। इस लाइन को भी डार्क कर दो नीचे, वैसे दी हुई रेखा है ऐसे ही रहेगी तो भी चलेगी इस तरह। और देखो यहाँ भी मिल रहा है, यदि आप इसको इधर को और इधर को मिलाना चाहे तो भी ये गलत नहीं होगा। यहाँ पॉइंट का नाम दे सकते हैं, या जैसे मान को चलो हम यहाँ डी दे देते हैं और डी से ए को मिला दो और डी से बी को मिला दो, तो इधर को बनाओ चाहे इधर को बनाओ, दोनों साइड ये सही बन सकता है आपका। ये प्रश्न नंबर है 17 सेवंथ क्लास में। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। त्रिभुज ई ए डी को समान चार भागों में बांटो। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज दे रखी है, तो हमने एक त्रिभुज लेनी है। मैं आपको बताता हूँ कैसा त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज समबाहु भी हो सकती है, त्रिभुज विषमबाहु भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। आपने यहाँ पे त्रिभुज बनानी है, जैसे मैं यहाँ त्रिभुज बना देता हूँ इस तरह से, मैंने यहाँ त्रिभुज बना दी है और इसके मैंने नाम दे दिए हैं ई ए डी। ये आपकी त्रिभुज है, ये कह रहा है कि इस त्रिभुज का कोई भी एक त्रिभुज लो और उसके बराबर चार भाग का हमने करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ए भी आपकी रेखा है, इसका हम समद्विभाजन कर देते हैं यहाँ पे। इस तरह से हम इसका समद्विभाजन कर देंगे, जहाँ ये पॉइंट पे समद्विभाजन हो रहा है इसका नाम हम दे देंगे यहाँ पे R। अब हमने आपका E और D जो रेखा है इसका भी हम समद्विभाजन कर देते हैं। यहाँ पे नीचे कट रहा है, यहां पे इस तरह से, और जहां पे ये रेखा को काट रहा है यहां पे ये पॉइंट आ गया B। अब आपने क्या करना है, जो हमारा A E है इसका भी हमने समद्विभाजन कर देना है। ये हमारा समद्विभाजन, यहां पे ये चापे मिल रही है, जहां भी मिल रही है आपने यहां जैसे है ना, यहाँ पे आप लाइन थोड़ी सी लंबी लगा सकते हैं, बाकी आपने डैश ही लगाने हैं। इस तरह से, और ये जो आपका पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट है N। अब आपने क्या करना है, R और N को मिला दो इस तरह से, और आपने R और B को मिला देना है और B और N को भी आपस में मिला दो इस तरह से, 1 2 3 4। तो A E D त्रिभुज के चार समान भाग हो गए।